नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़, अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। मैनपुरी में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। चार तमंचा, एक बंदूक व अधबने असलहे और असलाह बनाने के उपकरण पुलिस ने बरामद किए है। साथ ही फैक्ट्री संचालित करने वाले एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। अन्य जनपदों में भी यहाँ से अवैध असलहों की सप्लाई हो रही थी। मैनपुरी सदर कोतवाली पुलिस को ये सफलता मिली है। तमंचा कारतूस समेत गिरफ्तार किए गए एक युवक के जरिए पुलिस को इलाके के वयुती खुर्द गांव में अवैध असलाह की फैक्ट्री संचालित होने की सूचना मिली थी, जिस पर भारी पुलिस बल ने गांव में छापा मारा। मौके पर पुलिस को असलाह फैक्ट्री संचालित होते हुए मिली। वहीं फैक्ट्री संचालित करने वाले युवक सौरभ उर्फ नवनीत को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी नीलू उर्फ उजवीर अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। पेश है मैनपुरी के संवाददाता आशीष सक्सेना की यह खास रिपोर्ट। देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले 18 तारीख को मोहनपुर मोड़ से एक व्यक्ति तमंचे के साथ गिरफ्तार हुआ। इस समय इस तरह की चीज़ों में हमारे जोनल जो जोन के हमारे एडीजी जोन सर हैं या रेंज के आईजी सर हैं और कप्तान साहब का लगातार ये फोकस रहा है कि तमंचे में पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसके बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस तक नहीं पहुंचने की कोशिश करती है, जबकि हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि पीछे ये कहां से बनी है और आगे कहां तक जा सकती है। इन पूरे लिंक को हमें वर्कआउट करना है। इसी के तहत थाना कोतवाली के द्वारा उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि यहीं बगल के एक गाँव ब्योती खुर्द का एक व्यक्ति है नवनीत उर्फ सौरभ और उसके साथ उसका एक दोस्त है नीलू। ये मिलकर के इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और बना करके बेचते हैं और उसी से वो व्यक्ति खरीदा हुआ था। इसी के तहत अपना लगातार उस दिन से मुखबिर को डेवलप करके हम लोग इस ताक में थे, इस फराक में थे कि इनकी अपनी गिरफ्तारी सब कुछ के साथ किया जाए और उसी के तहत आज दिनांक को हमारी टीम के द्वारा जा करके इस तरह की चीज़ें उसके घर पे ही सारी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं और उसके साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार हो पाया है, जबकि जो दूसरा अभियुक्त था साथ में अंधेरे का फायदा उठा करके वो बात करा। सर, नेटवर्क इनका कैसा, कहाँ कहाँ ये बेचते थे, कितनी बड़ी मात्रा में तैयार करते थे? इनकी जो अभी तक के बनाने के अन्य तौर तरीके हैं, औसतन मुझे लगता है कि ये एटा तक या कुरावली तक या इस तरह के जो देहात के क्षेत्रों में हैं उनके सप्लायर हैं उनको सप्लाई कर पाते हैं। कुछ कोतवाली क्षेत्र में भी इन लोगों के द्वारा बेचा गया, उन पर भी हम लोगों की निगाहें हैं, आगे पूछताछ करके और इस तरह की चीज़ें को डेवलप। गैर जनपदों में भी सप्लाई करते थे? हाँ, अभी तक जो पता चला है कि नीलू के द्वारा एटा जनपद में भी सप्लाई इसकी की जाती है।